वीडियो को लाइक करें, प्लम्बर हेल्पर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे को दबाकर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्लम्बर हेल्पर चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इंडियन टॉयलेट सीट कैसे लगाई जाती है। इसका वीडियो हमने पहले भी बनाया हुआ है, लेकिन वो मेट्रोपल फ्लश बार के साथ में था और इसमें हम लगाने वाले हैं ओपन सीटर लगेगा जो कि टैल के बाद में लगता है, और इसके साथ में लगेगा ये लॉन्ग बैंड पाइप। और हम यहाँ पर अच्छे से फिट करना सिखाएंगे आपको कि इंडियन टॉयलेट सीट बहुत ही इजी होता है, बहुत ही आसानी के साथ में ये फिटिंग फिट हो जाता है। तो ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहें। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर सीट देख लीजिए, ये सबसे बड़ा साइज है हमारा 18-23 का, जहाँ से ये चौड़ा इसकी 18 है और यहाँ से 23 इंची है, जैसा कि आप देखते होंगे। ये सीट हो गई हमारी और ये हमारा लॉन्ग पाइप जो कि इसको भी फिट करके हम आपको सिखाएंगे। और ये है लॉन्ग बैंड का ये ओरिंग रबड़। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर पीटरम पहले ही लगाया हुआ है और इसमें थोड़ा टुकड़ा है। अब हम इसके ऊपर सीट को रखेंगे, उसका लेबल निकालेंगे, फिर इसमें माल डालेंगे, फिर ये पाइप की फिटिंग करेंगे, लॉन्ग बैंड पाइप की फिटिंग करेंगे। इसका पीटरम की का पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, पीछे से 1 फिट सेंटर आप रख सकते हैं, 1 फिट हो जाए 11 इंची भी चल जाता है, 11.5 भी चल जाएगा, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहाँ पर पहले सीट को रखते हैं, उसका लेबल निकालते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर 2 ईंटें रख लेनी है, इसके ऊपर 2-4 ईंटें हम लगा लेते हैं। यहाँ पर हमारी ईंटें लग चुकी है, अब हम देखते हैं इसमें फिट करके। इसको हम पीछे से भी नाप लेंगे बिल्कुल सीधा करके, जैसे कि यहाँ पर हमारा नौ में 2 सूत्र हमारा है, तो इधर भी हम नौ में 2 सूत्र कम ही रखेंगे। हमने इसको पीछे से सीधा कर दिया है बिल्कुल, जैसे हमारा 9 में 2 सूत्र मारा है, इसको भी नाम लेना है, 9 में 2 सूत्र मारा है हमने। और यहाँ पर इस प्रकार से लेवी लग के भी देख लेना है, पास देना, जैसे कि आप देखोगे हमारा यहाँ पर बिल्कुल लेबल आ रहा है। आप चाहें तो लकड़ के ऊपर भी रख कर और इसको दे सकते हैं, बिल्कुल लेबल मारा है। और यहाँ से ऐसे एक घंटा लग रख के सीधा बिल्कुल इसका भी लेबल देख लेना है, इसको बिल्कुल लेबल में रखना है हमें। तो हमारा यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। अब हम इसको सीधा यहाँ से ईंटा लगा के और इसमें फिर माल लगाएंगे, उसके बाद हमारा ये पाइप लगेगा। तो हम पहले ईंट लगा लें, यहाँ पर हमने ईंट लगा करके इसको मसाले डालने के लिए रेडी कर लिया है। अब हम इसे चार तरफ सीट के नीचे मसाला डालेंगे अच्छे से, फिर हमारा वो लॉन्ग पाइप लग जाएगा तो हमारी सीट पूरी कंप्लीट लग जाएगी। हमने इसमें मसाला डाल दिया है, अब हमें ये लॉन्ग पाइप लगा के पहले हमें इसको कंप्लीट थोड़ा निकाल लेता हूँ। इसको यहीं पे ही छुड़ाना है पन्नी को, ताकि ये हमारा पन्नी फने नहीं। इसको दीवार से 2-2.5 इंची हटा कर रखना है, इस दीवार से 2.5 इंची भी हटा कर रखना है, क्योंकि 1 इंची का वहाँ हमारी टाइल भी आई है इसमें और 1 इंची हमारा इसके अंदर उठेगा, तो हमारा ये रेबल इतना कटेगा। हम इसको काट लेते हैं यहाँ से, हमारा ये लॉन्ग पाइप कट चुका है। अब हम इसकी ओरिंग बार्टर डाल करके इसमें
फिट करेंगे। ये हमारी होगी पैक, ये लगा लेते हैं। हमारा भाई इसमें लग चुका है और हम डालेंगे मसाला, फिर मसाला डाल करके फिर पूरी कंप्लीट हो जाएगी हमारी सीट, फिर हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हमारी सीट लग के पूरी कंप्लीट हो चुकी है। एक बार लास्ट में आपको इंच टेप से ये पीछे नाप लेना, कहीं आपकी सीट हिली तो नहीं है। तो हमने ये नाप लिया है, हमारा एक बराबर बिल्कुल पीछे से आ रहा है। और आपको लास्ट में लेबल भी रख के देख लेना है इस प्रकार से, जैसे कि हमारा यहाँ पर बिल्कुल लेबल में आ रहा है और यहाँ से भी बिल्कुल ये लेबल में है। तो आपको लास्ट में एक बार लेबल और इंच टेप लगा कर देख लेना है कि आपकी सीट हिली तो नहीं है। तो यहाँ पर हमारी सीट लग के कम्प्लीट हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और हमारे प्लान में हेल्प चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप हमारे इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।